उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और आंकड़े भी पेश किए। देखिए योगी जी के सरकार का एक साल हो रहे हैं और आप एक साल पहले कहीं आप सोचें कि उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी। बिजली समय पे आती नहीं थी, सड़कों में गड्ढे थे, भ्रष्टाचार परम सीमा था, आपके साथ यहाँ पर अपराध की कोई अंत नहीं था, गुंडा राज चल रहा था, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई थी, नकल की एक इंडस्ट्री चल रही थी। आज वही एक साल बाद कोई भी हेडलाइन नहीं बन रही है, नकल पे अंकुश लग गया है, कानून व्यवस्था ज्यादा अच्छी हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पे आ गई हैं, बिजली में सुधार हुआ है, गड्ढा मुक्त हो रही है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो ये दिखता है कि योगी जी की जो सरकार है वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है और पारदर्शिता से वो काम कर रही है। वहीं सरकारी कार्यक्रम से अलग सरकार के कैबिनेट मंत्री भी सरकार की वाहवाही करने में जुटे हुए हैं। इन्वेस्टर समिट तो बहुत बड़ी है क्योंकि जब चीजें बेहतर होती हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है और इन्वेस्टमेंट उस दिशा में आया है। 4,70,000 करोड़ का निवेश है। जब 4,70,000 का निवेश होता है तो युवाओं को नौकरियां पैदा होती हैं और देश के प्रदेश के अंदर खुशहाली आती है। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का दावा है कि एक साल में भाजपा सरकार में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और अपराध खत्म हो गया है। ऐसा ही दावा महिला कल्याण विभाग मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी करती नजर आ रही है। नहीं, मिसाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक परिवार के तरह सरकार चलाई जाती थी, संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था, चंद लोग ही तय करते थे कि क्या होगा, भ्रष्टाचार था ठेकेदारी में, अन्य विषयों में, यहाँ तक कि रोजगार भी बिना भ्रष्टाचार के प्राप्त नहीं हो पाता था। अब वो विधियां बदल गई हैं। आज उत्तर प्रदेश में सरकारी संरक्षण अपराधियों को नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी सेवा में भर्ती पैसा लेकर नहीं की जा रही है। आज सारे पारदर्शी तरीके से शासन चलाने का प्रयास हो रहा है।